हे फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम प्रभाव क्रिएशन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बैंड लेयर के बारे में। मैंने एक काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने लोटस एनिमेशन का वो वीडियो था, उसके अंदर मैंने जो लोटस की लीव्स थी वो बैंड की थी बैंड टूल की मदद से। लेकिन काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोगों को बैंड टूल के बारे में समझ नहीं आया या उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी इस बारे में कैसे बैंड टूल यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह बैंड टूल यूज़ करते हैं, और आप एंड में डिस्क्रिप्शन में आप हमारा जो बैंड टूल है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, मैं आ चुका हूं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और आफ्टर इफेक्ट के अंदर मेरे पास यहां पर विंडोज़ के अंदर है बैंड लेयर। तो ये बैंड लेयर विंडोज़ के अंदर कैसे आई ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, और इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। सो जैसे बैंड लेयर पर सिलेक्ट करते हैं विंडोज़ पर जाकर, ये देखिए बैंड लेयर हमारे पास यहाँ आ चुकी है। अब हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑप्शन है, मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शन बताऊँगा किस तरह कौन सा ऑप्शन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ, मेरे पास कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर, जिसमें एक रोप की इमेज है, हमारे पास पाम ट्री है, एक पोल भी है मैंने लिया है ताकि आपको समझने में ईजी रहे बैंड टूल। तो सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ मैं पोल को। पहले हम बना लेते हैं कंपोजिशन, यहाँ पर 1920x1080 का कंपोजिशन बना रहा हूँ। आप आपके हिसाब से जैसा चाहे वैसा कंपोजिशन बना सकते हैं। सो मैंने कंपोजिशन बना लिया है, एंड इसके बाद हम यहाँ से लेट्स सी जो हमारा पोल वाली इमेज है उसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पर। सो हमारा पोल यहाँ पर आ चुका है, एंड अब मुझे सिंपली सिर्फ करना क्या है, मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑप्शन पर जाना है बैंड लेयर पे, और यहाँ से सेगमेंट है कितने सेगमेंट देना है। जितने ज़्यादा सेगमेंट आप देंगे उतना ही स्मूथ आपका बैंड होगा, पर उससे फाइल थोड़ी हैवी भी हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए आपको कितना स्मूथ करना है और आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या। अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा है तो आप जितना चाहे उतना स्मूथ करने के लिए सेगमेंट बढ़ा सकते हैं। सो हम ले लेते हैं अभी लेट्स सी 30 टाइप कर देता हूँ मैं, 30 ठीक रहेगा अभी के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है एंकर पोज। एंकर पोज है मतलब किस डायरेक्शन में आप किस कॉर्नर से उसे बेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम कर लेते हैं नीचे की तरफ से, नीचे से हम बेंड करेंगे इस, और उस वहाँ नीचे भी हम सेंटर में करेंगे, तो हम सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बैंड आपको किस एंगल पे करना है, आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो हमारा वर्टिकल है, मैं वर्टिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बैंड किस तरह से करना है, हमारे पास यहाँ पर दो कर्व है, सी है और एस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सी कर्व किस तरह बैंड होता है और एस कर्व किस तरह बैंड होता है, तो मैं पहले सी ले लेता हूँ, यहाँ पर सी कर्व ले लेते हैं। प्रीकॉम और दिस कॉम दो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, तो मैं प्रेफर करूँगा आप प्रीकॉम ही बनाएं ताकि जब भी आपको अगर ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर अगर कुछ एडिट करना रहा, चेंज करना रहा, तो आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए प्रीकॉम सिलेक्ट करें और यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए बैंड। ये आ गया बैंड, तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोगों को इसके बाद समझ नहीं आता कि सब बैंड होता क्या है, इसके बाद क्या है। तो देखिए जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सेगमेंट आ चुके हैं, इतने सारे प्रीकॉम के सेगमेंट है। अब अगर मैं डिटेल में बताने जाऊँगा इनके बारे में तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसको डिटेल में छोड़ देता हूँ। हम सिर्फ यूज़ के लिए बैंड कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं हम, स्लाइडिंग कुछ दिए हुए स्लाइडर्स हैं यहाँ पर, उनकी वैल्यूज़ दी हुई है। तो जैसे कि अमाउंट ऑफ बैंड दिया है यहाँ पर, तो अमाउंट ऑफ बैंड आपको कितना बैंड करना है, ये इस तरह से बैंड हो रहा है। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये बैंड किस तरफ कैसे बैंड हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कैमरा, राइट एंड न्यू कैमरा,
और कैमरा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा कैमरा टूल्स पर और यहाँ से इसे कर दूँगा मूव थोड़ा सा इस एक्सिस में, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा कि हमारा बैंड टूल किस तरह काम कर रहा है। ये देखिए ये हमारा बैंड हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हम बैंड करना चाहें उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो ये हमारा जो वाई एक्सिस है उसमें हम इसे बैंड कर रहे हैं इस तरह। जितनी ज़्यादा वैल्यू आप बढ़ाएंगे, आप चाहे तो पूरा उसे रिंग बना सकते हैं बैंड करके, जैसा भी आप चाहे इसे बैंड कर सकते हैं। तो मैं ऐसा भी करता हूँ ज़ीरो। दूसरा हमारे पास आ रहा है इन्वर्ट रोटेशन है यहाँ पर, उसे सिलेक्ट करूँगा तो आप इसे इस तरह बैंड कर पाएंगे। ये देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक तरह से बैंड हो रहा है, लेकिन वो इन्वर्ट रोटेट हो रहा है। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है और उसे मूव कर दिया, रोटेट कर दिया अपोजिट एंगल पर इस तरह से, तो वो यहाँ पर वैसा बैंड कर रहा है। तो मैं रीसेट कर देता हूँ वापस से। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है फ्लैट रोटेशन। फ्लैट रोटेशन में आपको फ्लैट दिखाई देगा, उसके लिए आपको जो कैमरा एंगल हमने चेंज किया था उसे मैं वापस डिफ़ॉल्ट या कैमरा को हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट, जो हमारा फ्रंट व्यू था उसमें हम आ चुके हैं और यहाँ पर फ्लैट रोटेशन है। ये देखिए फ्लैट रोटेशन इस तरह से दिखाई देगा। मैं हमारे ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो ये है हमारा फ्लैट रोटेशन, जिस भी एंगल में आप करना चाहें ये फ्लैट रोटेशन इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद एक्स पोजिशन है यहाँ पर, एक्स पोजिशन के अंदर तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड हो जाएगा एक्स पोजिशन पर। अब यहाँ पर देखिए जो अलग अलग स्लाइड दिखा रहा है, ये सेगमेंट है जो हमने यहाँ सिलेक्ट किए थे, 30 सेगमेंट है ये, तो ये 30 सेगमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, ये एक्स पोजिशन पर हो गया। उसी तरह हम वाई पोजिशन पर भी कर सकते हैं। अब वाई पोजिशन पर ऊपर और नीचे करेंगे तो वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे। सेम इसी तरह हम जेड पोजीशन पर भी कर सकते हैं। जेड पोजीशन ऐसे दिखाई नहीं देगी, उसके लिए हमें कैमरा ऑन करना पड़ेगा और कैमरे के साइड व्यू पे हम चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये जेड पोजीशन पे हमारा दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से। तो ये जेड पोजीशन हो गई इसकी, मैं करता हूँ ज़ीरो। सो अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल, हम देख लेते हैं उसके लिए मैं लेट्स सी एक और नया कंपोजिशन बना लेता हूँ। और हमारे पास यहाँ पर है एक रोप है, उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये रोप हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, मैं फिर से इस रोप को सिलेक्ट करूँगा एंड इस बार हम यहाँ पर ट्राई करेंगे जो हमारा एस कर्व है उसे ट्राई करेंगे रोप में। तो सबसे पहले रोप के मैं सेंटर में जो हमारा एंग पोज है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो हम चाहते हैं यहाँ सेंटर पॉइंट, नॉर्मली आपको समझ आ ही चुका होगा ये किस तरह काम करता है। अगर मैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये डाउन में यहाँ पर रहेगा, बीच वाला पॉइंट यहाँ, ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पर। तो हमें चाहिए सेंटर, और सेंटर में भी यहाँ बीच में, तो मैं यहाँ से बीच वाला सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं बैंड, और बैंड में जो हमारा बैंडिंग है हम उसे सिलेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद यहाँ से कर्व सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं एस कर्व सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर प्रीकॉम्प और बैंड। तो सेम जैसे पहले यहाँ पर आए थे वैसे के वैसे यहाँ पर आ चुके हैं, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से करते हैं अमाउंट ऑफ बैंड। तो ये देखिए अमाउंट ऑफ बैंड जो है हमारा इस तरह से हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कैमरा एंगल प्रॉपर नहीं है, मैं कैमरा ऐड करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ से ये देखिए इस तरह मैं इसे घुमा देता हूँ तो आपको प्रॉपर कैमरा एंगल दिखाई दे जाएगा इस तरह। तो ये हमारा एस बैंड है, आप जितना चाहे उतना इसे बैंड कर सकते हैं, माइनस में करना चाहे प्लस में करना चाहे, आप जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही बैंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एस बैंड यहाँ पर काम कर रहा है। और बाकी सारी चीज़ें तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, इन्वर्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं। तो हम
इन सब वैल्यूज़ को अप डाउन करके जो हमारा बैंड के जो अलग अलग पोजेज है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज चेंज कर सकते हैं आप, जो चाहे वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और क्योंकि ये 3D में कन्वर्ट कर देता है लेयर्स को, इसलिए आप इसे किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं 3D में। ये देखिए, आप जैसा चाहे वहाँ से वैल्यू के साथ थोड़ा आपको खेलना पड़ेगा, और आपको अलग अलग इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं आप जैसा चाहे, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं। सो यहाँ से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर है एक पाम ट्री है, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा स्केल। ये हमारे पास पाम ट्री है और इस पर मैं लगाता हूँ बैंड। तो बैंड हम लगाएंगे, सबसे पहले मैं लगाना चाहता हूँ इसके सेंटर ड्रॉप नीचे की तरफ, सेंटर में ये लगा दिया मैंने एंग पॉइंट। उसके बाद हमारा वर्टिकल है और मैं इसे चाहता हूँ सी कर्व एंड बैंड। सो वापस हम जाते हैं इफेक्ट कंट्रोल में और सिलेक्ट करते हैं लेयर्स को। यहाँ से हमारा जो बैंड है वो इस तरह हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कैमरा, सिलेक्ट करेंगे हम लेयर्स, न्यू कैमरा, ओके। एंड उसके बाद यहाँ से कैमरा सिलेक्ट करेंगे एंड जो हमारा एंगल है उसे हम चेंज कर देंगे इस तरह से। तो जब हम अब इसे करेंगे बैंड, तो हमारा ये देखिए इस तरह बैंड हो रहा है। तो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है किस एंगल पर बैंड हो रहा है। उसके बाद हम कर लेते हैं इसे रीसेट, कैमरा को मैं कर देता हूँ हाइट। और अब साइड वाइज करना चाहते हैं हम इसे, तो मैं जाता हूँ फ्लैट रोटेशन पर और आप देखिए इसे फ्लैट रोटेशन पर बैंड कर सकते हैं इस तरह। अब देखिए यहाँ पर जब मैं जिसे बैंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ बीच में गैप आ रही है। वो गैप आ रही है क्योंकि हमने सेगमेंट जो लिए हैं वो कम लिए हुए हैं, इस वजह से गैप आ रही है। उसको भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रो बैंड पर क्लिक करके इसे फील कर सकते हैं यहाँ से इस तरह। तो वो आपको थोड़ा वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा किस तरह यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसे प्रॉपर कर पाएंगे। आपने एक बार बैंड अप्लाई कर दिया यहाँ से, उसके बाद आप यहाँ से वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपको वैल्यू जो भी लेनी है वो आपको पहले ही लेना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ से मान लीजिए बैंड ज़्यादा हो रहा है, हम हल्का सा बैंड कर सकते हैं, ये इतना बैंड है। अब आप चाहे तो इसे एनिमेट भी कर सकते हैं। एनिमेशन तो आपको पता ही होगा की फ्रेम ऐड करके, मैं आपको दिखा देता हूँ एक। तो मैं इसे कर लेता हूँ पहले रीसेट और यहाँ स्टार्टिंग में डाल देते हैं की फ्रेम। पहले हम इसको इस तरफ बैंड कर लेते हैं और यहाँ पर मैं स्लाइडर पे की फ्रेम डाल देता हूँ। तो की फ्रेम इस जगह आ चुकी है, हम थोड़ा आगे जाएंगे और यहाँ से स्लाइडर से बैंड की फ्रेम इधर डाल देंगे। ये जो हमारी वैल्यूज थी ग्रो वाली, इसे मैं वन कर देता हूँ अभी के लिए ताकि सिस्टम थोड़ा फास्ट रहे। और जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पर प्ले, मैंने जैसा कि आपको कहा था आपका सिस्टम इसके लिए हेवी होना चाहिए तभी जाकर बैंड टूल, क्योंकि अलग अलग लेयर में आपको डिवाइड कर देता है पूरी लेयर्स में। तो इस तरह से मैं इसे लेट्स सी क्वार्टर में हम प्ले करके देखते हैं। तो ये इस तरह से एनिमेशन यहाँ पर बन चुका है। तो आपकी क्रिएटिविटी कैसे दिखाना चाहते हैं, आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, वो आप इजीली आप बेटर समझते होंगे उस बारे में, क्योंकि आपको बनाना है आपका ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बता दिया है बेसिक बैंड टूल को कैसे यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।